दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल और लैपटॉप से। जब दोस्तों अगर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। वैसे सरकार ने इसको कंपलसरी नहीं रखा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक हो जाए तो आप ऑनलाइन उसे कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या इसकी प्रोसेस रहेगी, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम जब भी कोई नया कंटेंट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब दोस्तों जानते हैं कि आपको कैसे अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का नाम है वोटर हेल्पलाइन। तो हमने इसे डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें अपने मोबाइल से जो आपका अकाउंट है उसमें क्रिएट करना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वोटर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे नीचे वाला फॉर्म 6B फिल करना है। इसको हम जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक नया पेज ओपन होता है और यहाँ पर चलो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे इसको हिंदी में कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास में वोटर आईडी कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे देखिए, नहीं मेरे पास में वोटर आईडी कार्ड नहीं है, यानी अभी आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ से उसके नंबर चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरे पास है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ वर्क। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो वोटर आईडी नंबर है वो डालना है और नीचे आपको आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों वोटर आईडी नंबर डालने के बाद स्टेट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर विवरण प्राप्त करें, इस बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी कि जो आपकी वोटर आईडी की जानकारी है वो नीचे रिकॉर्ड में है, तो यहाँ पर आगे बढ़े पर प्रोसेस करना है। यहाँ पर आपका जो वोटर आईडी कार्ड होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद यहाँ पर आपको अगला पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड की डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे देखिए हम जैसे ही नीचे जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आधार विवरण, यहाँ पर आपको आपके जो आधार नंबर है वो डालने हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपकी वोटर आईडी कार्ड में, और एक ईमेल आईडी, अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको वही ईमेल आईडी डालनी है, अदरवाइज दोस्तों आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरने के बाद यहाँ पर आपको आपका जो मोबाइल है उसको वेरीफाई करवाना होगा। वेरीफाई करवाने के बाद यहाँ पर फोन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी जो डिटेल है वो फिर से दिखाई देगी, तो आपको यहाँ पर पुष्टि क्रिया पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर पुष्टि कर देते हैं अब आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक हो जाता है। यहाँ पर आपको योर रेफरेंस आईडी मिल जाती है, तो ये आपका जो आधार कार्ड है वो वोटर आईडी कार्ड से लिंक होने के लिए यहाँ पर सत्यापित हो चुका है। कुछ ही दिनों में आपका जो आधार कार्ड है वो वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो जाएगा, इसका आपको मैसेज भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने अभी तक इसको कंपलसरी नहीं किया है, लेकिन हो सकता है आगे कभी भी इसको कंपलसरी कर सकता है, तो आप इसे अभी भी अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।